हीरा कारोबारी से जबरन वसूली के लिए मुंबई पुलिस के दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार, पीड़ित ने ट्विटर पर दी थी जानकारी। मुंबई के सर जेजे मार्ग पुलिस में तैनात एक सहायक उपनिरीक्षक और एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर एक हीरा कारोबारी से जबरन वसूली करने के मामले में शनिवार सुबह गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बारे में बिजनेसमैन की ट्वीट करने के बाद आरोपित एएसआई सुनील वर्तक उम्र 57 साल और कांस्टेबल विजय गायकवाड़ उम्र 32 साल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। गौरतलब है कि 40 वर्षीय शिकायतकर्ता हीरा कारोबारी गिरिगांव के रहने वाले हैं। घटना वाले दिन वो इचल करंची से कैब में बैठकर अपने चचेरे भाई के साथ घर आ रहे थे, तभी रास्ते में पड़ने वाले जेजे चौराहे पर सुबह के करीब 8:15 पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोका। इनके पास से कुछ कीमती सामानों की बरामदगी करने के बाद पुलिस वाले इन्हें अपनी वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए और सामान छुड़ाने के लिए कथित तौर पर 50,000 रूपये मांगे। उस वक्त उन्होंने पुलिस को जैसे तैसे 10,000 रूपये दिए, जिसके बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत दी गई। इसके बाद कारोबारी ने पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और पूरी घटना का जिक्र कर डाला। इसके बाद प्रशासन ने उनके संपर्क पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता को जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। बाद में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 384 जबरन वसूली, 341 गलत तरीके से किसी को रोकना और 34 आपराधिक गतिविधि के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपित पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया आरोपित पुलिसकर्मियों ने उनसे जो पैसे लिए थे हमने उसे भी जब्त कर लिया है। इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया था जहां से इन्हें जमानत दे दी गई है, क्योंकि अब इनसे कुछ और बरामद नहीं होना था। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा, मैं उनसे कहा था कि जो सामान वे अपने पास रख रहे हैं सभी जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन वे सुनने के मूड में ही नहीं थे। उन्होंने मुझे किसी को कॉल तक नहीं करने दिया।